तब हुआ, दीप प्रज्वलन कर बिहार जनसंवाद जो वर्चुअल रैली है उसका शुभारंभ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अमरपुर से लाइव दिखा रहे हैं, यह अमरपुर से लाइव चल रहा है। और इससे पहले 7 जून को भारत के गृह मंत्री सह भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के द्वारा वर्चुअल रैली की शुरुआत की गई थी। उसी के साथ बिहार में चुनावी शंखनाद की भी घोषणा, बिहार हो चुकी थी, जिसके बाद 7 जून से यह बिहार में भाजपा ने कमर कस लिया है और चुनावी मोड में आप यहां देख सकते हैं किस तरह से जो महापुरुष है उनको पुष्पांजलि कर इस बिहार जनसंवाद रैली की शुरुआत की जा रही है। अमरपुर से हम लाइव हैं इस वक्त और भागलपुर प्रमंडल का यह पहला वर्चुअल रैली है बांका के अमरपुर से। और पटना से राजीव प्रताप रूडी जुड़ चुके हैं, वो इस जनसंवाद रैली का जो लोगों से मुखातिब होंगे उनको संबोधित करेंगे। उसके पहले जो ममता सिंह भागलपुर प्रमंडल के जो बांका के अमरपुर विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं मृणाल शेखर, भाजपा जिला अध्यक्ष जो बांका के हैं विकास सिंह सहित सभी गणमान्य लोग यहाँ ममता सिंह हैं। और आप देख सकते हैं यह अमरपुर का ये अर्पिता जो गेस्ट हाउस है उसके हॉल में यह वर्चुअल रैली प्रारंभ हो चुकी है भाजपा का। और भाजपा के वर्चुअल रैली को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। और यहाँ पर उद्घाटन सत्र भी हो चुका है, दीप जलाकर पहले ही इस कार्यक्रम का उद्घाटन हो चुका है। और लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंच पर भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे अमरपुर से डॉक्टर मृणाल शेखर हैं, उनके ठीक बगल में बेलहर से प्रत्याशी रहे मनोज यादव हैं, बेबी चंकी जी पांडे हैं, उनके साथ जो भी अमरपुर विधानसभा के साथ साथ जो भाजपा के बांका के जो कद्दावर नेता हैं बांका जिला के वे सभी आपके सामने हैं। यहाँ बांका के अमरपुर से जो बिहार जनसंवाद वर्चुअल रैली है भाजपा का उसका आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। लगातार जनसंवाद रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर जो पहले लगातार रैली होता था उस रैली से परहेज किया जा रहा है और लोग वर्चुअल रैली के माध्यम से अपने अपने पार्टी के विषय में बताते दिख रहे हैं। और सीधा विधानसभा के वर्चुअल रैली में उपस्थित हजारों कार्यकर्ताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिनके इंतजार में हम लोग बैठे हैं, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय सांसद आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी हम लोगों को संबोधित करेंगे। मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी को के कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस कोरोना महामारी में आप लोगों ने एक कोरोना योद्धा के तरह गरीब निसहायों को, प्रवासियों को जिस तरह आपने सहायता देने का काम किया,
इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं मित्रों। हमारे केंद्र सरकार की बात हो, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है भारत आत्मनिर्भर बनेगा। बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों मिलकर बिहार को जिस गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, यह काबिले तारीफ है मित्रों। कल ही प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के कल्याण के लिए गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई है मित्रों। इसमें बांका जिला को विशेष लाभ होने वाला है। गरीबी को गरीबों की बात हो, गरीब कैसे अपने आप में आत्मनिर्भर बने, स्वरोजगार उनको मिले, ये गरीब कल्याण योजनाओं के अंतर्गत गरीबों को काफी लाभ मिलने वाला है आने वाले दिनों में मित्रों। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मुझे लगता है कि अभी अमरपुर विधानसभा के सभी बूथ स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं विशेष वक्त न लेते हुए मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग से भी जिला प्रभारी रामनाथ जी से आग्रह है, चाहे हम लोग तुम मास्क खोल के बोलो यार। देवी चंकी जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, बांका जिला के जिलाध्यक्ष विकास कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के अमरपुर विधानसभा के प्रत्याशी मित्रवर मृणाल शेखर जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष बेलहर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आदरणीय मनोज कुमार यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भागलपुर जिला के प्रभारी श्यामान्य रामानंद चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजीव कुमार मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मान्य पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भाइयों और बहनों, मित्रों, आज अमरपुर विधानसभा के सम्मेलन के माध्यम से बांका जिला के जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा सम्मेलन होना निश्चित हुआ है। और मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे आग्रह करना चाहता हूं, बांका विधानसभा के अंतर्गत जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो सारे के सारे सीटें हमें किसी कीमत पर जीतना है, और वो जीत हमारे कार्यकर्ताओं के बल पर, हमारे जो अभिभावक हैं उनके बल पर, और प्रदेश नेतृत्व को ये बता देना चाहते हैं कि बांका जिला कहीं से कमजोर नहीं है और पांचों विधानसभा क्षेत्र जीतने के सक्षम है। लेकिन मैं आपसे निवेदन यह भी करना चाहता हूं, जो पार्टी का केंद्र नेतृत्व का, राज्य नेतृत्व का, बिहार प्रदेश नेतृत्व का जो कार्यक्रम आया है, हम उस कार्यक्रम को, सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर, सारे भेदभाव को मिटाकर हम एकजुटता के साथ क्षेत्रों में जाना है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अभी जो हमारी आई हुई है, हमारे सब कृषि का गठन हुआ है, सब कृषि के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारा आया हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो चिट्ठी आया है, जो पत्र आया है, हम सब कृषि के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहेंगे, आपको घर घर जाना है, एक डाकिया की तरह, जिस प्रकार देखते हो डाकिया को, चाहे आंधी हो, तूफान हो, वर्षा हो,
चाहे जो कुछ भी हो चिट्ठी पहुंचाने का काम करता है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक डाकिया बनकर हमें हर हर घर घर में जाना है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पत्र आया है हम उसको घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरी बात हम आपसे यह भी निवेदन करना चाहेंगे जो पिछले 5 वर्षों में जो कार्यकाल बीता माननीय प्रधानमंत्री जी का और 1 साल जो मोदी 2 में जो कार्यकाल बीता है हमको इसकी संदेश को भी घर घर ले जाना है। मूल रूप से जो 4 काम इस कार्यकाल में 1 वर्षों में अंतर को जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है, चाहे राम मंदिर के निर्माण के सवाल पर हो, जो CAA के मामले के सवाल पर हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, हमको इसको घर घर ले जाना है। और आपको ये बताना पड़ेगा कि माननीय प्रधानमंत्री का जो काम हुआ है वो बहुत अच्छी काम हुआ है और हम आम जनता से जोड़ने का काम करेंगे। तीसरी बात, जो लॉकडाउन के माध्यम से जो परेशानी मजदूरों के बीच, प्रवासी मजदूरों के बीच, हमारे माँ बहनों के बीच, आम जनता के बीच थोड़ी परेशानी हुई है, हमको सहभागिता बन के हमको ये भी काम करना पड़ेगा। मैं विशेष न कहते हुए हमारे बहुत सारे वक्ता हैं अपनी बातों को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग के बीच पूर्व जिलाध्यक्ष बिहार विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आदरणीय मनोज यादव जी से आग्रह है आए और हम लोग को संबोधित करें। मनोज यादव जी, वर्चुअल रैली के मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री छपरा के सांसद माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष विकास सिंह जी, अमरपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मृणाल जी, प्रदेश मंत्री बेबी चंकी जी, जिला प्रभारी लाल मोहन गुप्ता जी, भागलपुर जिला प्रभारी रामानंद चौधरी जी, अमरपुर विधानसभा वर्चुअल रैली में जुड़े हुए भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, आज इस कोरोना महामारी वैश्विक हम लोग डिजिटल माध्यम से आज अमरपुर विधानसभा का वर्चुअल रैली हो रहा है। इस रैली के माध्यम से आप सभी अमरपुर के जितने नौजवान साथी भाइयों बहनों, कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना महामारी संकट में जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने अदम इच्छा शक्ति से इस कोरोना महामारी से लड़ने का जो प्रयास किया है वह सराहनीय है। आज भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के अति पिछड़े जिलों में गरीब कल्याण रोजगार योजना का शुभारंभ किया है, उसमें बांका जिला का भी नाम है। यहाँ के जो प्रवासी श्रमिक हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, उस रोजगार से वो जीवन यापन करेंगे, उनको बाहर काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। भारत की सरकार और बिहार की सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं का चयन किया है, अब उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दोनों सरकारों ने मिलकर जो निर्णय लिया है वो अपना खुशहाल जीवन जिएंगे। इतना ही कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब हम लोगों के बीच प्रदेश मंत्री आदरणीय देवी चंकी जी से आग्रह आया संबोधित भारत आज के इस वर्चुअल रैली के शुभारंभ करते हुए हमारे केंद्र के पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी आज इस वर्चुअल रैली के शुभारंभ कर रहे हैं। उनको तहे दिल से पूरे बिहार की पदाधिकारी और सभी लोगों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन है। आज वर्चुअल रैली के माध्यम से बिहार की आम जनता को यह संदेश देना चाहते हैं
कि इस महामारी जो कोरोना की महामारी चल रही है, इस महामारी से माननीय इसी बीच में हम लोग जितने भी अपने भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी जितने भी लोग हैं, प्रत्येक लोग माननीय प्रधानमंत्री के जो पत्रक घर घर तक हमको पहुंचाना है और आने में बहुत ही जल्द हमारा बिहार का चुनाव भी है। इस चुनाव के तैयारी हम इसी माध्यम से भी कर सकते हैं और जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम कार्यकर्ताओं के दिया गया है कि हमको डाकिया बन के हमको प्रत्येक घर में इस पत्रक को पहुंचाना है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये दूसरा साल चल रहा है उसकी पहली दूसरी कार्य की जो दूसरी बार जो प्रधानमंत्री जी बने हैं उनका पहला साल में उन्होंने क्या क्या काम किया है, इस काम को पत्रक के माध्यम से दिखाई दिया गया है। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो भी काम करते हैं वो तमाम भारतीय के हित में करते हैं। आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक साल में 4 बहुत बड़ी बड़ी ऐसी समस्याओं का हल किया जो वर्षों से पड़ी हुई थी, अब सब जानते हैं, इसको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आज बस इस वर्चुअल रैली के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम लोग आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है उस चुनाव में जो पत्रक के माध्यम से जो भी हम लोग को हो सकता है और अपने अपने लोगों के घर तक जाकर अपने कामों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री के काम के बारे में उन तक पहुंचाएं कि आज जो भी प्रधानमंत्री जी का जो कार्य है वो आपके हित में है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं जैसे कि आप जान रहे हैं, तो इनको हमको बताना होगा, हमको समझाना होगा और अपनी भागीदारी उन तक ले जानी होगी, तभी आने वाले समय में हम उनकी उनकी विश्वास को जीत सकते हैं और अपनी बातों को उन तक रख सकते हैं। आज हम अपने माननीय पूर्व मंत्री केंद्र के भाई उदित करेंगे और यहाँ पर आज जितने भी हमारे मंचासीन पदाधिकारी हमारे जितने भी शक्ति केंद्र के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं उनको आज इस वर्चुअल रैली में आने के लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिन जय भारत। अब हम लोगों के बीच हमारे पूर्व विधानसभा के लोकप्रिय नेता पूर्व प्रत्याशी रहे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर मीनाल शेखर जी से आग्रह है कि आए और संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज इस वर्चुअल रैली के माध्यम से अमरपुर विधानसभा के कोने कोने से जुड़े मेरे युवा साथियों को, यहाँ के आम लोगों को और बीजेपी के सभी सोशल साइट्स पर जुड़े बिहार प्रदेश के कोने कोने से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता मित्रों को अपना मार्गदर्शन देने के लिए मोबाइल के माध्यम से हम सबों के बीच उपस्थित मेरे बड़े भाई भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और आप सबों को पता है जिनका सानिध्य और आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है, मेरे नामांकन में भी बतौर मुख्य अतिथि वो यहाँ उपस्थित थे। चुनाव के दौरान भी दो दो बार अमरपुर में उनका उद्बोधन हुआ, हम सबों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी,
मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी बांका के आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री विकास सिंह जी, हमारा सौभाग्य है कि आज इस मंच पर विकास जी के पूर्व जिन्होंने पार्टी की जड़ों को सींचने का काम किया, ऐसे हमारे कई पुरोधा मंचासीन हैं। सर्व श्री मनोज यादव जी जो पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे और बेलहर से पार्टी का नेतृत्व तो करते हैं, हमारे श्री रामानंद चौधरी जी जिनकी सूझबूझ से पार्टी ने हमेशा नई ऊंचाइयों को छूने का काम किया, हमारे बीच उपस्थित पार्टी की प्रदेश की मंत्री और विशेष तौर पर अभी जिला का मार्गदर्शन करने के लिए हम सबों के बीच इकट्ठा हुई श्रीमती बेबी चंकी जी, इस जिला के प्रभारी भाई लालमोहन गुप्ता जी, हमारे अभिभावक और इस विधानसभा के पालक आदरणीय रामदेव भगत जी, मेरे बड़े भाई, और कार्यकर्ताओं का एक क्या स्वरूप होना चाहिए इसको हमेशा ही प्रमाणित करने वाले जिला के मंत्री श्री मृत्युंजय शर्मा जी, बड़े भाई और मंच पर आसीन पार्टी के मजबूत सिपाही कर्म योद्धा मैं कहता हूँ उन्हें, श्री राजीव लोचन मिश्रा जी, हमारे सोशल मीडिया के प्रभारी भाई अतुल जी, मंच का संचालन कर रहे प्रीतम जी, और जिनकी बदौलत ये कार्यक्रम या यूं कहिए कि जूम ऐप डाउनलोड कराने के लिए दिन रात काम करने वाले हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष मेरे विधानसभा के, सर्व श्री प्रदीप गाय जी जो इस नगर के अध्यक्ष हैं, श्री संजीव जी, श्री रुवेश कुमार जी, श्री चंदन सिंह जी, श्री दीपक चौधरी जी एवं उनके टीम के सभी सम्मानित सदस्यगण, इस प्रसाल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी को अपना खून पसीना देकर सींचने का संकल्प लेकर और आने वाले समय में कमल फूल को खिलाने का ख्वाब लेकर सपना देखने वाले इस प्रसाल में उपस्थित मेरे विधानसभा के कोने कोने से आए मेरे सभी शक्ति केंद्र प्रभारी भाइयों बहनों, मैं आपका इस विधानसभा के सम्मेलन में, इस वर्चुअल सम्मेलन में आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका कोटि कोटि वंदन करता हूं। आप सबों की बदौलत ही आज भारतीय जनता पार्टी की जड़ें लगातार मजबूती प्रदान कर रही हैं। मैं भूला नहीं हूं उस दिन को जब हमारी बैठकें सिर्फ प्रखंड केंद्रों तक सीमित थी, लेकिन आज जो सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, जब यही कांग्रेस के लोग अटल जी के ऊपर हंसा करते थे और वो कहते थे कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको आपके ऊपर लोग हंसेंगे, और आज वही दिन है जब भारतीय जनता पार्टी अपने स्वर्णिम काल में आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी की जड़ें लगातार मजबूत हो रही है, और गांव-गांव में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ एक ही ख्वाब लेकर, सिर्फ एक ही सपना लेकर जी रहे हैं कि कैसे हम अपनी भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाएंगे। और दुनिया में एकलौता ऐसा संगठन है भारतीय जनता पार्टी, जहां पर यदि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं तो इसके पूर्व हमारे अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी होते थे, और उसके पूर्व श्री राजनाथ सिंह जी देश का नेतृत्व करते थे, और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही इकलौती ऐसी संस्था है, ऐसा संगठन है जो राष्ट्रवादी विचार के साथ काम करती है, और इसमें से भी आज यदि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होकर यदि आज आप दरी बिछाने का काम करते हैं, आज मैं वो नितिन गडकरी जी का वो बातें जब उन्होंने अध्यक्ष के कार्यकाल संभाला था उस समय उन्होंने कहा था कि मैं दरी बिछाने का काम करता था, मैं बैनर लगाने का काम करता था, और एक बैनर लगाने वाला भी, एक दरी बिछाने वाला भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, और यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि एक चाय बेचने वाले का बेटा भी, एक चाय बेचने वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। मित्रों, यही खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की, और यही लोकतंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, जिस ख्वाब और सपने के साथ हम और आप काम करते हैं, तो ये कोई भी इस बात से नकारा नहीं जा
कर सकता है आने वाले समय में, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही यह सौभाग्य प्राप्त है। मित्रों, आने वाले समय में चूंकि कोरोना का काल चल रहा है और आप लोगों ने, मैं आदरणीय रूड़ी जी को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने, एक एक सिपाही ने इस कोरोना के संकट काल में भी अमरपुर विधानसभा में रसोई, जनता रसोई चलाकर हजारों लोगों के घरों तक भोजन पहुंचाने का काम किया, हजारों लोगों के घरों तक मास्क और साबुन बांटने का काम किया। ये सिर्फ अमरपुर विधानसभा में ये संभव हुआ। हम जब डेंगू का संकट आया था उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ से काम करते हुए एक अमिट छाप छोड़ने का काम किया था। इसलिए मित्रों, हम लगातार काम कर रहे हैं और हम शीर्ष नेतृत्व से भी आग्रह करते हैं कि आपकी दृष्टि अमरपुर के कार्यकर्ताओं पर होनी चाहिए। अमरपुर के कार्यकर्ताओं ने भी कुछ ख्वाब देखे हैं, कुछ सपने पाले हैं। आप उन सपनों का ख्याल रखेंगे, आने वाले समय में अमरपुर इस क्षेत्र में एक नया दौर शुरू करने वाला है। अमरपुर के युवाओं ने एक सपना देखा है, उन्होंने एकजुट होकर इकट्ठे भाव से, कुछ संकल्पित भाव से काम करने शुरू किए हैं। इसलिए आज, पिछली बार भी अमरपुर पूरे में और लोकसभा में सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाला विधानसभा बना था। वो इसलिए बना था क्योंकि अमरपुर के युवा दृढ़ संकल्पित है। अमरपुर के युवाओं के अंदर यह संकल्प रहता है। आज जब चाइना का, हमारे देश के सेना के जवानों के साथ चाइना के आर्मी का व्यवहार उचित नहीं है, आज देश के सीमाओं पर जिस तरह से चीन का रवैया है, हम अमरपुर से उनको समर्थन देते हैं, उनको अपना अमर जो देश के जवान है, जो सेना के जवान हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। अमरपुर और बांका के लोग आपके साथ खड़े हैं, आपके जो शहीद हो गए इस देश के लिए, हमारी संवेदनाएं उस सारे परिवारों के साथ है। और हम आने वाले समय में अपने नेतृत्व के हर आदेश का, उनके हर निर्देशों का पालन करते हुए हम गांव-गांव तक जा रहे हैं, घर घर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर तक संपर्क करके और आज पत्रक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पार्टी ने जो निर्देश दिए हैं उन निर्देशों का हम पालन कर रहे हैं। हम हजारों लोगों को जूम ऐप डाउनलोड करा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि इस बार का चुनाव भीड़ के साथ नहीं होने वाला। इस बार का चुनाव सोशल मीडिया के माध्यम से और मोबाइल ऐप के माध्यम से लड़ा जाने वाला है। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अमरपुर के युवा, अमरपुर के नौजवान, अमरपुर के मतदाता, अमरपुर के छात्र, अमरपुर की मातृशक्ति, हर लोग तैयार है कि आने वाले समय में प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का जो दिशा निर्देश होगा उसका हम लोग अक्षर से पालन करेंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ही एकलौता संगठन है जो चुनाव में जो वादे करती है उसको निभाती। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 को हटाएंगे, और हमने वो करके दिखाया। जो करोड़ वर्षों से जमा था उस कोड़ को हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी और आपकी सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तीन तलाक जैसी कुरीतियों का खात्मा किया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और आपकी चुनी हुई सरकार ने आपके ख्वाबों के अनुरूप जिस जो आस्था के केंद्र थे वर्षों से, 150 साल से ज्यादा समय से जो मुकदमे चल रहे थे, न्यायालय में जो लंबित मामले थे, उसको आपकी सरकार ने पूरा किया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से आज आपके आस्था के केंद्र, हमारे रोम रोम में बसने वाले प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और अमरपुर के भी लोग, हम अपने केंद्रीय नेतृत्व का करतल ध्वनि से स्वागत और अभिनंदन करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं कि आप जन भावनाओं के अनुरूप काम करिए। अमरपुर का एक एक भाई, एक एक युवा, हम अपने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। मित्रों, हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पर बैठे हैं, हम चाहेंगे कि उनका ज्यादा से ज्यादा मार्गदर्शन प्राप्त हो, लेकिन हम उनके समक्ष अमरपुर के युवाओं के भविष्य के लिए ये भी कहना चाहेंगे कि आप
उन सपनों के बारे में जरूर विचार करेंगे जो यहाँ के लोगों ने सोचा है। यहाँ विकास की गति को और तेज करने की आवश्यकता है। अमरपुर को महाविद्यालय की आवश्यकता है, अमरपुर को अच्छे स्टेडियम की आवश्यकता है, यहाँ के खिलाड़ियों के स्वर्णिम भविष्य, यहाँ के छात्रों, नौजवानों, किसानों के स्वर्णिम भविष्य के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निश्चय ही विचार करेगा। इसी आग्रह और विनती के साथ मैं अब पुनः श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी का अभिनंदन करते हुए अमरपुर के एक एक युवाओं की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन से आज अमरपुर का एक एक युवा ऊर्जान्वित होगा। बहुत धन्यवाद। आप सभी मित्र यहाँ इकट्ठा हुए, आप सबों के कंधे पर भारतीय जनता पार्टी की मजबूती की बागडोर है। आप जिस निष्ठा के साथ, जिस ऊर्जा के साथ पार्टी की जड़ों को मजबूती देने में दिन रात लगे हैं, महादेव आपको ताकत दे, आपको ऊर्जा दे, आपके अंदर इतनी शक्ति दे कि जो ख्वाब पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी जैसे लोगों ने देखा है, उन सपनों को हम सभी मिलकर पूरा कर सकें और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा और बिहार में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, सुशील मोदी और आज के इस कार्यक्रम के हमारे जो प्रभारी हैं आदरणीय श्री राजेश वर्मा जी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अमरपुर के तमाम लोगों की ओर से अभिनंदन करता हूं कि आपने प्रमंडल में पहला कार्यक्रम करने का सौभाग्य अमरपुर विधानसभा को दिया। अमरपुर के एक एक कार्यकर्ता मित्र की तरफ से हम आपके आभारी हैं, आपका साधुवाद करते हैं, आपका कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राजीव प्रताप रूढ़ी जिंदाबाद, राजीव प्रताप रूढ़ी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोगों के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी हम लोगों को संबोधित करेंगे। सभाओं से आग्रह है कि ताली बजाकर अमरपुर विधानसभा से उनका स्वागत करें। सभाओं से आग्रह है कि ताली बजाकर मैं नाम लिखती हूँ। मैं तो कहती हूँ यही पानी,
आप इसका लाभ नहीं उठाएंगे, ये दूसरा राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं मिला और ये बड़ा राजनीतिक। मुझे उस समय मैंने इस बात की चर्चा प्रधानमंत्री जी को भी एक बार कही कि जब पहली बार आप संसदीय दल की बैठक में आए थे तो आपने ये बातें कही थी, तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा था। लेकिन आज यही सोशल मीडिया आज कितना बड़ा अभियान का कारण बना है। फिर उन्होंने मुझे उसी बैठक में एक चीज का याद दिलाया, और देश के प्रधानमंत्री कई सारी बातों को बहुत याद रखते हैं। उन्हें कहा कि रूनी जी आपको याद है जब आप पहली बार 1990 में विधायक बने थे तो आपके बारे में एक कहानी कही जाती थी, और 1990 में जब मैं विधायक बना तो मैंने सोचा उस समय कि तकनीक का उपयोग करना चाहिए, और तकनीक के उपयोग में हमने अपने घर में विधायक के हैसियत से एक आंसरिंग मशीन लगाया, और उसमें मैंने कह दिया कि जब भी कोई फ़ोन बजता था जिस फ़ोन को मैं नहीं उठा सकता हूँ तो तत्काल मैं व्यस्त हूँ, यदि आपको कोई विषय रखना हो तो रिकॉर्डिंग मशीन में लिखवा दें, हम आपसे संपर्क करते हैं। और उसके कारण मुझे विधानसभा क्षेत्र में इतना नुकसान हुआ, और ये प्रधानमंत्री जी ने मुझे याद दिलाया क्यों, और लोग छपरा के कहते थे कि हरे मारत लेकिन फोन नहीं थे उठाओ तरह। तो मुझे वहाँ से चल करके आज जब आप लोगों के बीच में वर्चुअल रैली है तो मुझे खुशी हो रही है कि जो अभियान सिर्फ उन्होंने देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में नहीं दिया, उन्होंने हमें सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा है। और जब मैं अपने संसदीय क्षेत्र में समीक्षा करता हूँ या आप सब लोगों को संवाद कभी हो तो जिस प्रकार का शायद मैंने व्यवस्था कायम की है छपरा संसदीय क्षेत्र में, और जो मेरा एक कंट्रोल रूम है जो पूरे कोविड के दौरान लगभग 40,000 कॉल हमारे पास आए और मोटे तौर से 32,000 कॉल को हम लोगों ने अटेंड किया, और देश के कोने कोने से आए हुए कॉल में जो हमारे क्षेत्र के लोग फंसे थे उनको मदद करने का प्रयास किया। अगर इसको काट के आधा भी कर दें तो कोविड के दौरान 15,000 से 20,000 लोगों को खाना पहुँचाना, ट्रेनना, व्यवस्था करना, दवाई दिलाना, उनके घर वालों से संपर्क करना और उनके लौटने के बाद व्यवस्था करना, ये केंद्रित कंट्रोल रूम से सारण संसदीय क्षेत्र में हो, और जो एम्बुलेंसेस की सेवा इत्यादि की गई, तो वहाँ से शुरुआत करके आज भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी ने आज से कुछ दिन पहले पूरे बिहार का संबोधन किया था, और इस बैठक के बाद जब समीक्षा हुई तो पता चला कि लगभग 60 लाख लोग, किसी भी राजनीतिक सभा में 60 लाख लोग कभी नहीं आ सकते हैं। आज भी बांका में अगर मैं बहुत बड़ा भी सभा करता और बहुत आप लोगों को ताकत लगाते तो शायद इतनी बड़ी संख्या में जो अभी लोग सुन रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में शायद मैं ये बात नहीं रख पाता जो आज वर्चुअल रैली से। तो मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली से मुझे कहा गया कि ये वर्चुअल रैली को संबोधित करें। सिग्नल बहुत कमजोर है, पता नहीं मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है कि नहीं। सिग्नल कमजोर होते हुए भी बीच बीच में कुछ लोगों का बात सुन पाया, अधिकांश बात कट गया। मुझे ये भी नहीं पता है अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं अपनी टीम से कहूँगा कि चेक कर ले कि वहाँ मेरी आवाज़ ठीक जा रही है, और अगर जा रही है तो कृपया मेरे ऑफिस में बता दें कि मेरी आवाज़ ठीक जा रही है नहीं, मुझे कोई मॉड्यूलेशन की ज़रूरत है, मुझे स्पीड कम करना है, या ये स्पीड ठीक है, आप लोगों को स्पष्टता से सुनाई दे रही है, कोई कॉल ड्रॉप तो नहीं कर रहा है, और मैं पसंद आ रहा हूँ कि नहीं, ये भी आप मेरे ऑफिस तक सूचित कर सकते हैं। तो फिर से आप सभी लोगों का फिर से अभिनंदन, ये सिर्फ पृष्ठभूमि था ये चेक करने के लिए, कि पता नहीं। और तिवारी जी आप कृपया पूछ के बता दें कि ये सभी संवाद आप तक स्पष्ट रूप से जा रहा है ताकि मैं अन्य विषयों पर आना प्रारंभ करूँ। तो कोई फोन करके मेरे जो संवाद कर रहे हैं संजय राजेश वर्मा जी, आप कृपया मेरे ऑफिस को बता दें कि स्पष्टता है कि नहीं, और जिला अध्यक्ष जी कृपया बता दें कि बिल्कुल सही है। तो धन्यवाद, आपका टेक्नोलॉजी काम कामयाब हुआ, क्योंकि 30 मिनट के भीतर मुझे बहुत सारे विषय रखने हैं, तो मैं संक्षिप्त रूप से थोड़े थोड़े विषयों को रखूंगा। मंच मेरा तैयार नहीं है, पहला दिन का कार्यक्रम है, संवाद आपसे कायम करना है, पहला दिन आपसे संवाद कायम करना है तो मैं बैठ के ही बोलूंगा। देखिए पिछली बार हम लोग जब 2014 में जीत के आए थे, देश की सरकार बनाए थे, तो हम लगभग 282 की संख्या से जीते थे, और जब दोबारा 2019 में हम सबको मैंडेट मिला देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो इस बार एक बड़ी बहुमत और 303 हम जीत के आए, एनडीए की पूरी ताकत 353 थी, और भारत के इतिहास में एक सबसे बड़ी बहुमत के रूप में भारतीय जनता पार्टी
गैर कांग्रेसी सरकार भारत के इतिहास में दोबारा बन के आई देश के प्रधानमंत्री। और कुछ 5 साल का विषय में जाऊंगा तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अगर 1 वर्ष के भीतर के कार्यकाल में कि देश की सरकार ने क्या किया, मुझे याद है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में 1996 में जब विधायक था उसके पश्चात आया, और 1996-98 के बाद से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में केरल महाराष्ट्र गोवा पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में इंचार्ज रहा। लेकिन 3 विषयों पर मेरा टीवी डिबेट या हम लोग पॉलिटिकल मीटिंग्स में जाते हो, टीवी का डिबेट्स होता हो या फिर और भी कहीं चर्चा हो, कभी राष्ट्रीय कार्य समिति कभी प्रदेश कार्य समिति, तो 3-4 चीजों पर जो हमारा सैद्धांतिक था कि उन विषयों पर बात करते थे, चाहे वो धारा 370 हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, ट्रिपल तलाक हो, राम जन्मभूमि, और हजारों घंटा हम लोगों ने बहस किया। हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में भी इन विषयों को डाला था, और 1 वर्ष के भीतर जिस कश्मीर की हम चर्चा करते थे, जो नेहरू इस देश के इतिहास में अगर पलट करके जाएंगे तो भारत की आजादी के बाद 3 ऐसे विषय रह गए थे, एक सदाब, एक जूनागढ़ का मामला था जो हैदराबाद में गुजरात में था, दूसरा हैदराबाद का मामला था जो निजाम के चपेट में था, और तीसरा कश्मीर का था। सरदार पटेल ने जूनागढ़ भारत का हिस्सा बना, हैदराबाद भी भारत का हिस्सा बना, मान लगाइए ये हैदराबाद अगर दूसरा देश होता और पाकिस्तान का हिस्सा होता तो कैसा लगता। लेकिन तीसरा विषय छोड़ दिया गया था कश्मीर का नेहरू जी पर, और नेहरू जी ने उसे हमेशा के लिए उसको इंटरनेशनल एडजुडिकेशन में ले गया और आज तक समस्या बना रहा। और 370 धारा हमारे लिए हमारे जीवन का अंग बन करके, जहां देश का सब कानून लागू होता था वहां कश्मीर में नहीं होता, और 35A और 370 धारा को 1 वर्ष के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। लोग कहते थे ये असंभव है, लोग कहते थे कि कश्मीर जल जाएगा, लेकिन सब कुछ सामान्य हो गया। लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना, और इस प्रकार से पूरा यूनियन टेरिटरी के रूप में है। जब तक चुनाव नहीं होता उसका रूपरेखा सरकार तैयार करेगी। हमेशा कहा जाता था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कभी नहीं लागू होगा, और जो हमारे हिंदू, जो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो जैनी हो, पारसी हो, वो दुनिया के किसी कोने में रहे, चाहे पाकिस्तान में उन्हें परसिक्यूट किया जाता था, उन्हें सताया जाता था, भारत की सरकार ने एक ही बार ये परिवर्तन किया कानून। यहाँ तक कि ऐसी भी स्थिति थी कि जो पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए, पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए जो लोग भारत में लोकसभा में वोट डाल सकते थे, वो जम्मू कश्मीर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते थे। और इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये सब लोग भारत के, आप सोच सकते हैं कि इस देश में 70 साल रहने के बाद आपको विधानसभा में वोट डालने का अधिकार नहीं हो, लेकिन लोकसभा में वोट डालने का अधिकार हो, ये था हमारा भारत। और भारत की सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने सिटीजनशिप एक्ट से, बहुत इको आ रहा है, आप लोगों को भी तकलीफ हो रही होगी तो मैं, अगर आप पूछते रहिए तिवारी जी तो मैं इसे संक्षिप्त कर दूंगा, इसमें हमारी कामयाबी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर कहा, और उसका उसके बारे में तो आप सबको कि 3 बार तलाक दे करके किसी तरह से, मुस्लिम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का नहीं, हम लोगों ने मुसलमानों का, और खास करके मुसलमान महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कानून बनाया जो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय सुनाया था। और सबसे बड़ी जो विषय था, लोग कहता था कि इसे चुनाव तक लेके जाना चाहिए, बड़ा बड़ी उपलब्धि है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उस विषय को नहीं समझा और ट्रिपल राम जन्मभूमि का मामला सुलझा दिया। कोर्ट ने, मैं समझता हूँ कि सरकार का दलील इतना अच्छा रखा गया होगा कि जो सैकड़ों वर्षों से विवादित मामला था उसको हम लोगों ने सुलझाया। ब्रू रियांग एग्रीमेंट था जो त्रिपुरा में हुआ, और जो 34 साल के पहली बार उस इलाके का एक समझौता हुआ जिससे वहां शांति स्थापित हुई। बोडो कॉर्ड नॉर्थ ईस्ट में हुआ, और एक सबसे बड़ा जो एंटी टेरर लॉ में परिवर्तन हुआ, पहले
सिर्फ संगठन ही को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाता था। भारत की सरकार ने उसमें संशोधित करते हुए व्यक्ति भी अगर आतंकवाद से जुड़ा हो तो उसे भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, ये किया गया। बहुत सारे और निर्णय लिए गए थे पहले, चाहे वो वन रैंक वन पेंशन का मामला हो, आयुष्मान भारत का मामला हो, और श्रमयोगी धन योजना मामला हो, जिसमें और बहुत सारे निर्णयों को भारत सरकार ने पहले लिया था। तो एक प्रकार से हम लोग प्रगति के रास्ते पर थे। देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे निर्णय लिए। अगर इसमें विस्तार से जाया जाए तो काफी वक्त लगेगा, लेकिन उसके बाद एक संकट, एक ऐसा संकट आया, शायद ऐसा अगर इतिहास को पलट के देखेंगे तो 1820, 1920 और फिर 2020, हर 100 वर्ष में दुनिया में इस प्रकार का प्रलय का विनाशकारी प्रहार हुआ है। और पहला वाला जो एपिडेमिक था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे 1820 में, कलकत्ता से शुरू होकर यूरोप तक गया। दूसरा था 1920 में स्पैनिश फ्लू, जो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान चलता रहा और लंबे अवधि तक चलता रहा। और तीसरा कोविड, चीन से आया हुआ ये कोविड। और अगर पूरे आप देखेंगे कि इसमें देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़े निर्णय लिए। मैं सिर्फ एक तथ्य आप लोगों को देना चाहूँगा, और इसमें कभी कोई बता नहीं सकता था कि इसका, अभी भी आज कोई तय नहीं कर सकता है कि कोविड का अंतिम तिथि कौन है। और अभी किसी साइंटिस्ट ने, किसी विश्लेषक ने ये नहीं कहा है कि फलाने तारीख को कोविड समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता, भारत के लोगों को कोविड से लड़ना होगा, लड़के जीतना होगा और अर्थव्यवस्था को सामान्य करना होगा। और इसीलिए इसके अभाव में कोविड से हमने लड़ने की, और देश के प्रधानमंत्री ने इस लड़ाई में कई सारे निर्णय लिए। इन निर्णयों का रूपरेखा जो था वो आपके समक्ष आया था। लेकिन एक बात, पूरी दुनिया की आबादी लगभग अगर 6.5 बिलियन लोग हैं, तो आज उसमें से 1.7 बिलियन लोग, यानी कि 1700 मिलियन लोग आज पूरी दुनिया में, नहीं 17,000 मिलियन लोग पूरी दुनिया में जो प्रभावित है, जहां कंप्लीट लॉकडाउन हुआ, उसमें भारत 1.3 बिलियन लोग थे, बाकी पूरा दुनिया जो लॉकडाउन में गया था वो लगभग 0.4 मिलियन। और ये 22 मार्च को पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की। उस दिन हम लोगों ने एक दिन का बंदी रखा, पूरे देश के लोगों ने उसका समर्थन दिया। और पार्लियामेंट के भीतर, पार्लियामेंट उस समय चल रहा था, पार्लियामेंट बंद हुआ और उसके बाद 24 तारीख को देश पहला लॉकडाउन हुआ। फिर उसके बाद दूसरा लॉकडाउन 24 तारीख के बाद 2 अप्रैल को हुआ, तीसरा 14 अप्रैल को हुआ, उसके 20 दिन के बाद फिर तीसरा लॉकडाउन 1 मई को हुआ, चौथा लॉकडाउन 17 मई को हुआ, और पांचवा तो खुलने का सिलसिला भी शुरू हुआ, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति और एक एहतियात के तौर पर 1 जून को रहा, और आज भी हम लॉकडाउन में हैं। पूरे दुनिया के हिसाब से, सब देश, पूरे भारत वर्ष, पूरी दुनिया में एक आर्थिक नुकसान हुआ। सरकार को यह तय करना बड़ा कठिन होगा कि कौन सा निर्णय सही है, कौन सा निर्णय गलत है। ये बड़ा कठिन है, क्योंकि हो सकता है कि अगर लॉकडाउन ना किया जाए तो जो प्रभावित लोगों की संख्या है वो और भी ज्यादा हो सकती थी। हवाई सेवाएं बंद हो गई, ट्रेन की सेवाएं बंद हो गई, तो सिर्फ भारत के भीतर ही नहीं, पूरी दुनिया में लोगों ने ट्रेन की सेवाएं बंद हो गई, और देश के सामने एक विकट परिस्थिति आई। और देश की सरकार ने पहली बार, प्रधानमंत्री जी ने 1,70,000 करोड़ की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की, और उसमें 1,70,000 करोड़ गया। मैं छपरा से हूँ, आप बांका में हैं। 3 महीने का राशन मुफ्त दिया गया, 3 महीने तक का गैस का सिलेंडर दिया गया, लगभग 3 करोड़ वैसे लोग जो गरीब, जो बुजुर्ग थे, डिसेबल थे, उनके खाते में पैसा पहुंचाया गया। 80 करोड़ लोगों को भारत में राशन पहुंचाने की व्यवस्था की गई राज्य सरकारों की तरफ से, और ये लंबी सूची है। वर्कर्स कंस्ट्रक्शन सेस में से 31,000 करोड़ वर्कर्स पर खर्च करने का निर्देश भारत सरकार ने अनुमति राज्य सरकारों को दी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए पैसे की व्यवस्था की गई। बहुत सारे निर्णय लिए गए जो, और कई राज्य सरकारों ने, फिर 11,000 करोड़ जो एनडीए में एक्ट के तहत गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को पैसा दिया कि आप अपने यहाँ कैंप्स लगा के गरीबों को खिला सकते हैं, माइग्रेंट्स को खिला सकते हैं।
सबसे बड़ी बात है कि बिहार में और पूरे देश में लोगों को अनुमान नहीं था कितनी बड़ी संख्या में पूरे भारतवर्ष में माइग्रेंट हैं। हम सब जैसे नेताओं को जरूर दुख होता है, और क्योंकि मेरे राजनीतिक जीवन का लंबा अरसा चला आया है, मैं 6 बार लोकसभा, राज्यसभा और 1 बार विधानसभा में रहने के बाद मुझे लगता है कि जब इतनी बड़ी संख्या में अपने मजदूर भाइयों को पूरे दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में और दुनिया में भी हमारे लोग हैं जाकर के उसे लौटते हुए क्रम में देखा तो हमें दुख हुआ। और जिन राज्यों को हम अमीर बनाते हैं राज्यों का व्यवहार भी देखा, कुछ राज्यों ने अच्छा व्यवहार किया नहीं किया इसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मूलतः ये जाने वाले लोग बिहार के थे, उत्तर प्रदेश के थे, कुछ झारखंड, कुछ उड़ीसा के, कुछ राजस्थान के। तो इस बहस में जाना उचित नहीं होगा कि हम लोगों के राज्य से इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर क्यों गए, लेकिन जब वो लौटे तो उनकी बड़ी कहानियां थी। लेकिन लगभग सरकार ने 70 लाख लोगों को ट्रेन से वापस पहुंचाया, कई सारे अफवाहें भी पहुंचाई गई, माइग्रेंट वर्कर्स को ये समझाने का कोशिश किया गया। तो हम पूरे भारत को अमीर बनाते थे और हमारे लोग जो भारत को अमीर बनाते थे और अमीरों को अमीर बनाते थे गरीब अवस्था में वापस लौट गए हैं, और मुझे नहीं लगता है कि वो जल्दी जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरे लिए भी और मेरे और आपके जैसे कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी बहुत बड़ी चुनौती है कि ऐसे लोगों को हम जाने भी ना दें, लेकिन वो क्रम कैसे होगा कि हम जाने भी ना दें। तो बिहार सरकार के लिए और हम सब के लिए, और मुझे विश्वास है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथ सुशील मोदी और हमारी सरकार और भारत के प्रधानमंत्री के समर्थन के साथ बिहार में ऐसा कुछ दिखाएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े, भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में। तो इसके लिए कई सारी योजनाएं केंद्र की सरकार ने दिया, आज मैं पढ़ रहा था कल जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया 50,000 करोड़, उसमें भारत नेट भी है और बाका भी, और लगभग 70,000 करोड़ की अगर आज मेरा नेट ड्रॉप हो रहा है तो मैं आपको कह सकता हूं कि छपरा में मैं नेट ड्रॉप नहीं होने देता। तो मेरा लगातार जो भारत सरकार के 70,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है 543 जिलाओं में, 2000-2000 खर्च तो बांका में भी हो रहा होगा, लेकिन अगर हमारे लोग और हम मिलकर के छानबीन करके उसका लाभ ना उठाए तो ऑप्टिकल फाइबर है तो इस 50,000 करोड़ में वो भारत नेट भी लिखा हुआ है। और छपरा में भारत नेट का पैसा मैं देखता हूँ और मैं जानता हूँ कि कितनी कमियां हैं। मुझे याद है कि आपके अगल बगल के सांसदों से मेरी बात हो रही, तो हम भारत नेट को हम मजबूत करेंगे ताकि इस प्रकार का संवाद में जो विघन पैदा हो रहा है आपसे संवाद में उसे हम कर सकें। मित्रों, इसमें कई सारी ऐसी योजनाएं आई हैं जिसमें शायद आप सब लोग को लाभ हो सकेगा, उस योजनाओं के बारे में मैं नहीं जानना चाहूंगा। मैं छोटे छोटे विषयों में जो 20 लाख करोड़ का योजना है उसका पूरी सूची हमारे पास है, आप लोगों ने भी पढ़ करके और प्रधानमंत्री के उस पत्र के साथ आपने किया होगा। माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में, क्योंकि बिहार की जब हम चर्चा करते हैं तो हमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चाहिए, हमें स्पोर्ट्स स्टेडियम चाहिए, हमें विकसित बिहार चाहिए, हमने सड़क में बहुत अच्छा किया है, बिजली में बहुत अच्छा किया है, लेकिन अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब उद्योग का एक प्रहार, एक लंबा रास्ता देखना होगा, लंबा रास्ता निकालना होगा। अगर आप देखेंगे और भी कई विषयों पर, मुझे अपने समय सीमा के बारे में जानकारी नहीं है, बहुत विषयों पर, क्योंकि समय समय पर अगर आप सब लोगों में से कुछ लोग टेलीविजन पर देखते होंगे तो अभी एक बड़ा विषय आया है चीन का, और उस चीन के विषय पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से गलवान वैली में जो चीन के साथ हमारे बिहार रेजिमेंटल सेंटर के जवान शहीद हुए, उसके कर्नल शहीद हुए, उनके साथ धोखा हुआ, लेकिन वैसे ही नहीं लौटे, अपनी शहीदी के साथ मारते मारते मरे हैं वो, और देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, वो हमें कमजोर ना समझे। तो आखिर चीन के पास इतना ताकत क्यों हो गया है कि वो पिछले दशकों से हमें आंख दिखाता है? इसलिए कि 60-70 वर्षों में भारत जो अपने आप में एक आर्थिक ताकत के रूप में उभर के आना चाहिए था पर नहीं बन पाए, तो चीन दुनिया को इसलिए नहीं आती आके दिखाता है कि वो मिलिट्री पावर है। अमेरिका, आपको मैं बताना चाहूंगा, अमेरिका के बाद चीन के बाद अगर तीसरा दुनिया में सबसे बड़ा मिलिट्री पावर है तो भारत है, तो तीसरा है तो दूसरा भी बन सकता है। लेकिन 60 वर्षों में चीन ने हम और पूरे देश को, अगर $100 बिलियन का ट्रेड है, लगभग 56 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है,
और $1 बिलियन लगभग 7,000 करोड़ रुपया होता है, तो उससे आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि लागत क्या है। कई लोग हम लोग कह रहे हैं कि चीन के साथ, चीन तो पुरानी विरासत की गलती है, और आप सब लोग को फिर से बार बार जब कोई चीन की बात आपके सामने कोई कार्यकर्ता रखे ये कहिएगा कि ये बताइए, आप तो कह रहे हैं कि चलिए गलवान वैली में वो उन्होंने क्या हुआ और कांग्रेस के लोग बयान दे रहे हैं, वो सब चीजों का जवाब हम लोगों ने उत्तर दिया और देश के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ना एक इंच जमीन हमने दिया है और ना एक पोस्ट हमारा दिया गया है, और हम अपने शहीदों की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। लेकिन मित्रों, आप सब जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, पहले आप लोगों ने बिल्कुल कंठस्थ कर दिया था कश्मीर को, और कश्मीर पर जब भी कोई हो तो छोटा कार्यकर्ता भी श्रीनगर के लाल चौक से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान तक जाते थे। अब एक और अध्याय अपने जीवन में आपको जोड़ना पड़ेगा, वो चीन का है, और वो हम सब आप लोग को बताएंगे समय समय से कि चीन के साथ जो कुछ भी हो रहा है, बाकी देशों के साथ हमारा बाउंड्री डिफाइंड है, बहुत सारे भूटान के साथ, नेपाल के साथ है बाउंड्री, लेकिन हम लोग उस पर कोई फेंसिंग नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो है, बांग्लादेश के साथ है बाउंड्री जो भी डिफाइंड है उस पर हम लोगों ने फेंसिंग किया है। चीन के साथ कोई डिफाइंड बॉर्डर नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय होता है, और ये परसेप्शन होता है कि मेरा यहाँ से यहाँ जमीन है, मेरा यहाँ से भी, तो कभी पेट्रोलिंग पार्टी उधर चला जाता है, उधर का पेट्रोलिंग पार्टी इधर आ जाता है, कोई कहता है कि तुमने मेरे जमीन में लगा दिया, मैंने तुम्हारे जमीन में लगा दिया। और 45 वर्ष 1975 के बाद से चीन के साथ ये पहली बार हुआ है, चार हमारे जवान शहीद हुए थे चीन का, चेक करते रहिए आवाज आ रही है, चेक करते रहिए, चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश में 1975 के बाद एक भी घटना नहीं। तो ये घटना कैसे हुई इसकी पूरी जानकारी आ रही है, लेकिन ये बात है कि हमारे साथ धोखा किया गया और देश के प्रधानमंत्री ने उसका उत्तर भी दिया है कि हम इसका जवाब कैसे देंगे। लेकिन एक बात, जैसे हम लोगों ने राम जन्म मंदिर पर हमारे वक्तव्य होते थे, जिस प्रकार से हमारे वक्तव्य सिटीजनशिप एक्ट पर होते थे, राम जन्मभूमि पर होता था, ट्रिपल तलाक पर होता, तो एक अध्याय हम सब कार्यकर्ताओं को जोड़ना पड़ेगा, और वो अध्याय है कि भाई आखिर 1950 से लेके 1960 तक जब नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, किस प्रकार से चीन ने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं 35,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत का अक्साई चिप में कब्जा कर लिया। और उस समय नेहरू जी ने पार्लियामेंट को बताया था कि यहाँ घास का भी एक तिनका नहीं उगता है, ऐसा था उनका उत्तर। आज कांग्रेस के मित्र जब ये सवाल उठाते हैं या विपक्ष के लोग ये सवाल उठाते हैं, तो ये भी आप सब लोग को रखना होगा। उसके बाद जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो हमारा हिस्सा है, उसमें से भी चीन ने एक हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को दे दिया, तो कई सारे ऐसे विवादित मुद्दे हैं। और चीन जो कि पूरी दुनिया में घिर गया है और उसको लगता है कि भारत एक बड़े ताकत के रूप में उभर के आएगा, इसलिए उसका व्यवहार है, इस पर भी हम विस्तार से चलेंगे। स्वाभाविक तौर से ये अभी जो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, हमारी कई सारी मित्र बहने कार्यकर्ता मंच मोर्चा के सभी अध्यक्ष सब बातों को सुन रहे होंगे। मैं प्रयास कर रहा था कि गैर राजनीतिक रूप से आपको समझाऊं, लेकिन ये बात भी सच है, और क्योंकि हम छपड़ा से सांसद हैं, छपड़ा के विधायक भी रहे हैं हम, और मुझे अनुभव भी रहा है, बहुत इको है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि मैं इतना बोल रहा हूँ मेरा आवाज कैसे जा रहा है, लेकिन चुनाव की तो तैयारी होनी चाहिए, और बिहार में हमारी सरकार बने फिर से, यह हमारी ताकत है, और बिहार से हम फिर सरकार बनाएंगे, और हमें सरकार बनाने से और इसकी तैयारी हम मान के चले कि जो सब कृषि है तो कार्यकर्ता है, बहुत इको है, मैं नहीं जानता हूँ आपको कैसे, बहुत इको है हमारे कार्यकर्ता है, आप सब मान के चले, जो भी समझौता होता है, जितनी सीटें हमारे पास आती हैं, जो भी हमारे विधायक प्रत्याशी होते हैं, हम सब मिलकर के चुनाव में लगेंगे। देश के प्रधानमंत्री का एक बड़ा सपना है बिहार के लिए, और हम उसे पूरा करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब कार्यकर्ता आने वाले दिनों में
एकजुट होकर के जनता दल यूनाइटेड के साथ हमारी सरकार बिहार में, देश की सरकार और हम बिहार के नेतृत्व और डॉक्टर संजय जायसवाल के नेतृत्व में हम फिर से बिहार को एक नए सिरे से सजाने का काम करेंगे। बहुत कुछ मैं रखना चाहता था लेकिन आज समझता हूँ कि शुरुआती तौर में मेरे लिए भी पहला अनुभव है कि वर्चुअल रैली का मेरे सामने कोई दर्शक ना दिख रहा हो तो लगातार एक तरफ से बोलना कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन अभ्यस्त हो जाएंगे और अगर आप लोग सब कुछ ताली बजा देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरी बात थोड़ी बहुत आप तक पहुँचे। उन्होंने समाप्त कर दिया बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, आवाज शायद फिर कट गई है। अगर आप लोगों ने मेरी बात सुनी, कुछ बात जचा, कुछ सुन पाए तो एक बार ताली बजाकर अभिनंदन कर दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि शायद मेरा प्रयास कुछ आप तक पहुंचा है। नमस्कार। आज बिहार जनसंवाद कार्यक्रम के अंतर्गत अभी हमने केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी जी का अभिवादन सुना और मैं इस कार्यक्रम के सामने धन्यवाद करता हूँ। आज जिला से आए हुए पदाधिकारी और विधानसभा के सभी शक्ति के प्रभारी जिसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज प्रिया के सभी बंधुओं का मैं धन्यवाद बोलता हूँ। अभी